एपीएन की खबर का असर। पनकी पावर प्लांट अब नहीं होगा बंद। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। रंग लाई एपीएन की मुहिम। दिवाली से पहले दिवाली मनाते इन लोगों को देखिए। भले ही दुनिया के लिए दिवाली आने में अभी वक्त है, लेकिन इनके लिए तो आज ही दिवाली है और आज ही ईद भी। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाच रहे ये लोग कानपुर के पनकी पावर प्लांट के कर्मचारी और उनके परिवार वाले हैं, जो पनकी पावर प्लांट के बंद होने पर लगे रोक की वजह से बेइंतहा खुश हैं। इनकी इस खुशी में एपीएन का बड़ा योगदान है। एपीएन पर दिखाई गई खबर के बाद सरकार ने पनकी पावर प्लांट को बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी है। गुरुवार देर रात इस प्लांट की बंदी फिलहाल स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए गए। अपने परिजनों के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर कर्मचारियों को जैसे ही ये जानकारी मिली, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद तो इन्हें दीपावली से पहले ही जश्न मनाने का मौका मिल गया। आतिशबाजी करके नाच गाकर सबने खुशी का इजहार किया, साथ ही सभी ने दिल से एपीएन का शुक्रिया अदा भी किया। अब हम लोग के पापा की नौकरी नहीं जाएगी, अब हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं पढ़ेंगे। मैं है ना एपीएन चैनल का हार्दिक धन्यवाद कर देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे भाई बहनों की सभी की आवाज वहाँ तक पहुँचाई और हम लोगों का मदद किया। तो मैं एपीएन चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने हमारी खबरों को शासन तक पहुँचाया। गौरतलब है कि कानपुर में पनकी पावर प्लांट को 30 सितंबर तक बंद किए जाने के बावजूद आदेश जारी हो चुके थे। 230 मेगावाट के इस प्लांट की बंदी से यहां काम करने वाले 700 कर्मचारियों और 3500 संविदा कर्मियों में शोक की लहर फैल गई थी। संविदा कर्मियों पर तो मानो पहाड़ सा टूट गया था। अचानक बेरोजगार होने के कगार पर पहुंच गए इन कर्मचारियों को कोई राह नहीं सूझ रही थी। उसी वक्त ईपीएन ने उनके मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। हमने न सिर्फ इस प्लांट की बंदी के औचित्य पर सवाल उठाए, बल्कि इन कर्मचारियों के भविष्य को लेकर व्यापक बहस भी छेड़ी। मंगलवार को लोकतंत्र के अपने लोकप्रिय कार्यक्रम के जरिए इस मसले को जनता के सामने उठाया और जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाई। इस मुद्दे को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के संज्ञान में लिया गया। इसके बाद सरकार हरकत में आई। खबर के फौरन बाद ऊर्जा मंत्रालय की ओर से मामले का संज्ञान लिया गया और सरकार ने पनकी पावर प्लांट के बंद करने के आदेश पर रोक लगा दी। अब पनकी कर्मचारी बेहद खुश हैं और एपीएन को खुशी है कि हम जन सरोकार को लेकर जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन कानपुर।